हेलो फ्रेंड्स, मैं बबीता आपका अपनी रसोई में स्वागत करती हूँ। आज मैं बनाने जा रही हूँ मावा गुजिया। ये बिल्कुल स्नैक्स की तरह है, आप इसे जब चाहें जब खाएं। आप चाहें तो एक महीने तक इसे एक कंटेनर में रख दें, तब भी खा सकते हैं। ये बहुत ही क्रिस्पी बनता है, आप एक बार इसे ज़रूर ट्राई करें। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। मावा गुजिया बनाने के लिए हमें जो जो चीज़ें चाहिए मैंने इंग्रेडिएंट्स में लिख दिया है। आप अभी हम सबसे पहले मैदा लेते हैं। अभी हम इसमें घी डालेंगे, घी 4 टेबल स्पून के करीब, और मैदा 2 कप डाला है मैंने। 4 टेबल स्पून घी डालेंगे और उसे अपने हाथों से अच्छे से मिक्स करेंगे। इसमें हमें ये बातें ध्यान रखनी चाहिए कि मोइन अच्छी से पड़ने चाहिए, तो गुजिया बहुत ही खास्ता होगा। अब इसे देखिएगा, ये जब हम इसे हाथों में लेंगे तो इसकी मुट्ठी बंधेगी, तो इसका मतलब बहुत ही अच्छे से मोइन गया है। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके एक अच्छा डो बना लेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे क्योंकि अगर ज़्यादा पानी डालेंगे तो एक ही बार में वो गीला हो सकता है, इसलिए हम, और अगर गीला हो गया तो थोड़ा सा मैदा और ले करके हम उसे दोबारा ठीक कर सकते हैं। तो एक अच्छा सा डो बना लेंगे और इसे साइड रखते हैं। अब हम जो भी हमारे पास ड्राई फ्रूट्स हैं उसे हम थोड़ा सा रोस्ट कर लेते हैं। रोस्ट करने से ना इसकी खुशबू बहुत अच्छी हो जाती है और खाने में भी बहुत स्वादिष्ट लगता है। जो खोया रखा है हमने उसे भी थोड़ा रोस्ट कर लेंगे, ज़्यादा नहीं करना है, लो फ्लेम पे थोड़ा सा इसे फ्राई करना है। इसमें बड़ी अच्छी खुशबू आने लगेगी जब हम सारे इंग्रेडिएंट्स को मिलाएंगे, तो बहुत ही अच्छी खुशबू आएगी। तो इसे ज़्यादा नहीं करना है, थोड़ा सा लो फ्लेम पे बस इसे चलाना है। चलाकर इसे फिर हम इसे ठंडा करेंगे और उसके बाद इसमें सारे ड्राई फ्रूट्स को मिला देंगे। सबको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे अपने हाथों से। हमारा मिक्स हो गया है, सारा ड्राई फ्रूट्स और खोया मिक्स कर लिया है हमने। इसमें चीनी भी मिलाएंगे, चीनी मैंने 1 कप लिया है। चीनी को पीस कर लेंगे, चीनी का पाउडर यूज करेंगे हम, क्योंकि जो चीनी पिसा हुआ रहेगा तो हमें खाने में ज़्यादा अच्छा लगेगा, तो शुगर पाउडर ही लेंगे। अब हमने जो डो बनाया है उसे हम बेल लेते हैं। इसे आप या छोटे छोटे गोले बनाकर बेल लें या फिर हम बड़ा गोला बनाकर इसे बेल कर और इसे किसी चीज़ से कट कर लेंगे राउंड शेप में, जैसे हम रोटियां बनाते हैं, पूड़ियां बनाते हैं, उसी तरीके से हम इसे छोटा छोटा बना लेंगे। तो जितने भी गोले हमारे पास हैं सबको हम राउंड शेप दे करके रख लेते हैं। उसके बाद हम उसमें फिलिंग करेंगे। अब हम इसकी फिलिंग करते हैं।
फिलिंग करने के लिए जो भी हमने खोया मिक्स बनाया है उसे डालेंगे और किनारे किनारे थोड़ा पानी लगा करके और फिर इसे हम चिपका करके अपने हाथों से बाइंड करेंगे। अगर आपके पास साँचा है तो आप साँचा से बाइंड कर लें, साँचा नहीं है तो हाथों से बाइंडिंग कर लेंगे। और आपको जो डिज़ाइन डालना है उसे डालेंगे। मैंने इसे अपने हाथों से ही बाइंडिंग किया है। फॉक से आपको करना है फॉक से कर सकते हैं, वो भी साँचे का डिज़ाइन आ जाता है फॉक से करने से। तो इसे बाइंड कर लेंगे। सारे गुजिया को हम ऐसे ही बना लेंगे। मैं आपको दिखा रही हूँ, हाथों से भी फोल्ड करके दिखाती हूँ। बस इसी तरह से फोल्ड करते जाना है। तो सारा गुजिया हम इसी तरह से बना लेंगे और फिर इसे फ्राई कर लेंगे। गुजिया तलने के लिए हम फ्लेम को मीडियम ही रखेंगे, क्योंकि अगर हाई फ्लेम किया तो वो जल जाएगा और पकेगा भी नहीं। इसलिए हम इसे मीडियम फ्लेम पर ही, जब तक वो कलर ना आ जाए तब तक हम इसे तल लेंगे। सारा गुजिया हमारा रेडी हो गया है। अब आप इसे महीनों तक रख के खाएं, इसमें कोई ख़राबी नहीं आएगी। मैं इसे तोड़ के दिखाती हूँ, देखिए कितना क्रिस्पी बना है। ये देखिए बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी है। आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। आप हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। ऐसे ही वीडियो आपको आगे भी मिलते रहेंगे। थैंक यू।